पिला माने फाइनली आपणकर एबे एबे गोटे नुआ रिक्वायरमेंट आसीची एक बिग वैकेंसी को नै डीओ पई डीओ रहुची डाटा एंट्री ऑपरेटर पाखापाखी 775 रु अधिक वैकेंसी ग्रुप बी ग्रुप सी को नै ओडिसा सरकार को समेत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार रिलीज करिसेंते देखंतु आज आपण मानक सहित डिटेल्स रे आलोचना करी प्रथमे तार चार्ट को देखे देखंतु प्रत्येक डिपार्टमेंट रे किछ ना किछ वैकेंसी आपण को रहिछि सेति मध्यरे आमरो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए तरफ रु मध्य किछि नुआ नियुक्ति गुडी को मध्य आसी जाय छे डेरी करिबानी प्रथमतः कही रखी भिडियोटी को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कंप्लीट इनफॉर्मेशन जानी सरला परे अप्लाई करिवे जदि आपन को ठीक ठाक लगुच्छे निश्चय पाइबे आ निज संगसाथी मानक सहित भिडियोटी को निश्चय शेयर करिवे आग को आसुथिबा किछि नुआ नुआ नियुक्ति खबर जानिबा पई आम चैनल को मध्य एबेटरु आपन सब्सक्राइब करि पारिबे देखंतु प्रथमे आम आलोचना करिबा आपनकर नोटिफिकेशन टी केउठ आसीछे आम भुवनेश्वर रहितिबा एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तरफ पाखापाखि ग्रुप बी ग्रुप सी को अटैचमेंट करी 775 पाखापाखि वैकेंसी एवं पूरण पर नोटिफिकेशन आसी जाइए से आमर डीओ पाई भी किसी वैकेंसी रिजर्वेशन रही किंतु ऑल इंडिया कैंडिडेट माने अप्लाई करी परिवे बोथ मेल फीमेल ऑल ओडिशा रे भी एलिजिबल रहिबे देखंतु इंपोर्टेंट डेट आम आलोचना करिबा प्रथमे कहि रखुची आपणकर एबे रिसेंटली 1 तारीख रे अप्लाई आरंभ होई छे 1 जुलाई रे कि जुलाई 30 रे आपणकर शेष हेबो एप्लीकेशन मोड समस्त पई ऑनलाइन रहुचे एम्स भुवनेश्वर रहुचे आपणकर जॉब लोकेशन प्रथमतः कथा कहि रखिबि आपणकु तार वैकेंसी पोजीशन को डिपार्टमेंट तरफ रु अधिक आसी जाय छे देखंतु किछ रही छे आपणकर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर डबल ए रही छे ता सहित असिस्टेंट इंजीनियर रही छे चीफ कैशियर रहुची डेटिशियन रहुची गैस ऑफिसर रहुची लाइब्रेरियन ग्रेड 2 रहुची 3 रहुची मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर एमिति पाखाबाखी पिला माने 75 रु अधिक डिपार्टमेंट गुडी करे 775 रु अधिक वैकेंसी प्रकाश पाइछे लेवल अनुसार आपण चेकआउट करि परिबे को ग्रुप रे किए एलिजिबल रहुची पे स्केल लेवल आपणकर केते रहिबो देखंतु समस्त कैटेगरी प्रार्थी मानक पई वैकेंसी खाली पड़ीछे प्रथमे नोटिफिकेशन टू केमिति पाइबे आसंतु नजर पकाइबा प्रथमे आपण गूगल को आसीबे सर्च बॉक्स रे aims.bhubaneswar.nic.in जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर तरफ रु एबे सर्वभारतीय स्तर रे 700 अधिक वैकेंसी केवल ओडिसा पई आसी जायछे एथिपई किंतु प्रत्येक कैंडिडेट माने एलिजिबल रहि परबे रिसेंटली आपण एटू चेक करि परिबे कि रिक्वायरमेंट आपणकर को लेवल रे आसी छे पाखापाखि जेहेतु सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहु छे निश्चित आपणकर एडवर्टाइजमेंट मध्य सेही लेवल रे ही जाउ छे देखंतु एबे रिसेंटली 1/7 रे आपणकर आसी छे नुआ वैकेंसी किछि ग्रुप बी ग्रुप सी को नै ता सहित किछि नुआ नुआ अपॉर्चुनिटी गुडी को बे एठी अपडेट दिए जाउ छे कॉम्प्लीमेंटरी आपण चेक आउट करि परिबे जेतेबेले नोटिफिकेशन टी को आपण डाउनलोड करूछंते किछ ए टाइप रो इंटरफेस आपण को मिले जीवो व आपण को डिटेल्स रे देखाय दउ छी देखंतु आपण को पीडीएफ माध्यम रे रही छी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन भुवनेश्वर तो देखंतु वैकेंसी पोजीशन अनुसार आपण को डिपार्टमेंट केते कोटी रही छी म आपण कहितली 70 रु अधिक वैकेंसी तो 70 रु अधिक डिपार्टमेंट तो सेई भाबे आपण को 72 गोरी टोटल रही छी ग्रुप सी ग्रुप बी मिसि के आसी छी पाखापाखि 775 गोटी आपणकर वैकेंसी खाली रही से भितर भी रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन समस्त किसी वैकेंसी रिजर्वेशन रखा जाए कैटेगरी वाइज आपणकर सुइटेबल कैटेगरी बेंचमार्क कौन रही डिजेबिलिटी भाव आप चेकआउट भी करेंगे अप्लाई समय आपको दरकार पड़ो यो सर्टकट कोड गुड़िक आप देखुं पाने युड़ मन रखु आपर के पोस्ट को चूज करेंगे से ही अनुसार आपणकर सुइटेबल कोड गुड़ को देखा उचित देखु समस्त पोस्ट अनुसार एज लिमिट के कौन रही है एज लिमिट केवल 21-30 आउ कि रही 18 क्यू मानक रही देखु ये गोटे लास्ट गोटे पोस्ट रही जहाँकि आपली कि 72 गोटी डिपार्टमेंट तरफ वैकेंसी तो आसी जाइए समस्त क्वालिफिकेशन आउ किसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट मानक अपॉर्चुनिटी गुड़िक भी दि जाइए देखो 18 वर्ष जी आपको हो जाए तेज निश्चित एज भी आप एलिजिबल रही पारे किपर देखो प्रथम लोकेशन अनुसार आपको क्वालिफिकेशन चूज करा पड़ो आपणकर तो जॉब लोकेशन रहा भुवनेश्वर एम्स पाइबे किंतु वायरमैन रही आपणकर वैकेंसी तो वायरमैन इसेनसीआल क्वालिफिकेशन कौन दरकार केवल 10th पास
देखंतु 10th पास और इक्विवेलेंट रही किसी आईटीआई ट्रेड गुड़िक कंप्लीट करवा दरकार। इलेक्ट्रिकल उपर आपण नॉलेज रही थी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 वर्ष रही थी, से परी आपणकर टेलर ग्रेड 3 रही, स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2 रही, स्टोर कीपर कम क्लर्क रही, स्टेनोग्राफर, सोशल वर्कर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रही। तापर पर आपंकर आसी जा सिक्यूरीटी कम फायर जमादार रोचे। देखो सबगुड़िक डिस्कसन कला बेलू भिडियोटी लंग हो कि आपको सर्टकट्रे कौन जो डिपार्टमेंट आपड़ कम करने को इच्छा करती आपणकर क्वाफिकेसन सहित एक्सपीरिये सामान रही से अनुसार निश्चित भाव आपर एज लिमिट को देख आप्लाय करें। आपणकर समस्त इनफर्मेसन ये दी जाए। देखंतु समस्त अलग अलग कम्प्लीमेंटरी आपंकर चेन्ज भाव दी जाए तो निजर एज लिमिट को बेसिस करी आपनो अप्लाई करी नेबे। नेक्स्ट कथा सूची आपनो केमिती ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिवे। देखंतु म आपनको प्रथमे तार ऑफिशियल पेज टी देखाइ दउछि केमिती कोन रहिछि तापर आपनो जानि परिबे किंतु ता पूर्वरु कहि रखबेको चाहिबी आपनको रिलैक्सेशन केमिती कोन रहिछि। रिलैक्सेशन तो आपनकर किसी सुइटेबल रही किसी कैटेगोरी पई एससी एसटी मानक पई 5 वर्ष रहिबो, ओबीसी सीबीसी पई 3 वर्ष, जनरल पई किछि भी नहु, किंतु मिनिमम एज 18 रु 21 वर्ष हितले भी पके परबे आ 35 वर्ष पर्यंत भी से मागो छे। देखंतु आपनकर क्वालिफिकेशन तो कहि सरिली, प्लस 2 पास, ग्रेजुएशन 10th पास, पोस्ट ग्रेजुएट, बीई, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई समस्त रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तरफ आपन पाइथिबे आ कंप्यूटर उपर बेसिक नॉलेज आपनक रहितबो। गोटे इंपोर्टेंट कथा रहूची आपन देखिले मते आश्चर्य हेजिबे कि यार जो सिलेक्शन प्रोसेस रही ता अपेक्षा आपनकर एप्लीकेशन फी बहुत हाई रही पिला माने आज पर्यटन जिते रिक्वायरमेंट आसी एते बोधे हाई लेवल नथिबो आशा करी। देखंतु आपनकर एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी कैंडिडेट मानक 3000 माने 3000 टका आपनको पे करया पड़ो। आउ एससी एसटी जदि आपन हेथिबे तबे आपनको पई एठी दे दैछि 2400 टका आउ ईडब्ल्यूएस पई मदर सेथिरे एलिजिबल रहिबो। जदि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपन अटंती तबे एथि पई किछि भी फीस दिया जिवो नै, आपन फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करि परबे। देखंतु जदि इंटरेस्ट रखिछंती अप्लाई करंतु, नचेत एते पैसा आपन सारबा किछि आवश्यक नै जदि निजकु ठीक न लागुछे। मु कहि देली आम कर्तव्य रहिला आमे किछि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिवु, आपनको दायित्व आपन पकेबे कि नै। आ सिलेक्शन प्रोसेस आपनकर दुईटी वेर रहुछि, गोटे रहुछि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आ गोटे स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहुछे सीपीटी। देखंतु सीबीटी भी रहुछे आपनकर, ए दुईटी प्रोसेस अनुसार निश्चित आपन चेक आउट करि परिबे सिलेक्शन प्रोसेस को आधार करि। आसंतु ऑनलाइन माध्यम रे केमिती देखिबे ताको मु कंप्लीटली देखाइ दउछि। एई पेज को जेतेबेले आपन आसी जाय परिबे, मु ऑलरेडी आपन कहि सरिछि कि एई पेज रे आपनकर सबो किछि इन्फॉर्मेशन गुडीको दिए जाय छै। प्रथमे ए रिक्वायरमेंट फेज को आपनो क्लिक करिवे, ए साइड रहिछि रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट पोर्टल, टेंडर, ई टेंडर, नोटिस बोर्ड आ गैलरी। देखंतु अप्लाई लिंक मध्ये आपनको निश्चित ए पेज रे मिलि जिवो से करिनले। एक्चुअली एटी टिके साइड प्रॉब्लम रहुछि, जदि साइड प्रॉब्लम आपनको देखैबो एटी क्लिक कलम मध्ये किछि ओपन न होउछि, निश्चित आपनकर गोटे अनदर वे अछि। देखंतु नोटिफिकेशन आपनकर कंप्लीटली लिखा जायछि, जदि आपनकर ऑनलाइन माध्यम रे किछि प्रॉब्लम देखौछि टेक्निकल प्रॉब्लम तबे निश्चित एक ईमेल एड्रेस रहिछि। जदि आपनको शीघ्र अप्लाई करिवार अछि निश्चित ए एड्रेस टिको लेखि रखंथु, आईटी डिपार्टमेंट रहिछि dept@emsbhubaneswar.edu.in। देखंतु एटा ओनली फॉर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज रहिछे। जदि आपन किछि पचारेबार अछि निश्चित आपन कांटेक्ट भी करि परबे। प्रायत पिला माने आपे अप्लाई करूथिबे किछि प्रॉब्लम भी देखौछे बे सेटा मध्ये सॉल्व हे जिवो 2-3 दिन भितरे। जदि आवेदन करिवे प्रत्येक दिन चेक करंतु जतेबेले देखैबो आपन अप्लाई करि परबे। समस्त कहुथिबे सर आपन भूल देखौछन्ते एप्लीकेशन फी, कंप्लीटली म आपन देखौछ एप्लीकेशन फी केते कोन रहिछि 3000 रहिछि, 2400 रहिछि, आउ किसी डिजेबिलिटी कैंडिडेट मानक फ्री रखा जाए। एमती भी बहुत सारा इनफर्मेसन दी जाए, कंप्लीटली चेक करें कटअप केमी कौन रही तार इनफर्मेसन टी चेक कर जापरेंगे। देखो आज वीडियो माध्यम से सबकि प्रोसेस मुदेली, मेथड ऑफ सिलेक्शन, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहाँ किसी इंस्ट्रक्शन जानवर अच्छे पाई से विषय में भी कही सारी, गोटे टोल फ्री नंबर रही पाने कंटाक्ट आपरेंगे। देखो 0674 2476255 यहाँ आपणकर टाइमिंग भी रही 9 अधेरु 5:15 माने एतिक समय भितर आपण कॉल कले ही वर्किंग डेज रे आपण को रिसीव हो पार आ जहाँ किसी गाइडेंस रही आपन को मिल पार।
आशा करी कि आज अपडेट समस्त गोटे हेल्पफुल आसंता का पीओ आ जूनियर आसीस्टेंट एग्जाम को नहीं एक बिग अनाउंसमेंट आसुची मुझे कल जनईदेवी तेणु शेष पर्यटन देखी थी अनेक अनेक धन्यवाद जनाऊँ भिडियोटी को निश्चित सांगसाथी मान सहित जीवा पूर्व सेयर करेंगे आ चेल जब नुआ थे निश्चित सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे।